हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे काउंसलिंग से पहले आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातों का ध्यान रखना है, उन्हीं के बारे में इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। गाइज, आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच करिए, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने देखिए ये चीज़ नोटिस करी कि जब मैंने मॉर्निंग में एक वीडियो अपलोड करा था फाइनल आंसर शीट को लेके, कि आपका फाइनल आंसर शीट जो है वो यहाँ पे रिलीज हो चुका है, तो मैंने उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ये कमेंट देखे। ज़्यादातर स्टूडेंट ये कमेंट कर रहे थे कि सर हमने हमारा जो रेस्पॉन्स शीट है वो डाउनलोड नहीं किया, जबकि आपका जब आंसर शीट रिलीज हुआ था तो उस वीडियो में मैंने बिल्कुल क्लियरली ये बोला था कि आप लोगों को आंसर शीट अपनी जो है वो डाउनलोड करनी है और आपका जो रेस्पॉन्स शीट है उसको डाउनलोड करना है, दोनों को अलग अलग करके और फिर आप मैच करिए आपका कितना स्कोर आ रहा है। वहां पर मेरा कहने का मतलब यही था कि ये जो रेस्पॉन्स शीट है ये आपको डाउनलोड करनी है, इसकी आपको आगे ज़रूरत पड़ेगी। बट स्टूडेंट ने ध्यान ही नहीं दिया, मैंने बोल दिया और आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, तो मैंने उस वीडियो से ये एनालिसिस करा है कि हो सकता है आप आगे वाले पॉइंट को भी मिस कर दो। ठीक है, यहां पे आप क्या गलती कर सकते हो तो वो मैं आपको बता देता हूं, ये गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, और ये सारी चीजें मैं बता रहा हूं एक्सपीरियंस के आधार पे। अभी सीयूईटी यूजी की काउंसलिंग चल रही है और वहां पे ये सारी प्रॉब्लम आ रही है, और आप लोगों का सारा चीज जो है सारी चीजें थोड़ी सी आपकी लेट हो रही है, तो आपके लिए ये चीज़ बेनिफिशियल भी हो सकती है, क्योंकि मैं आपको टाइम टू टाइम उन सभी चीज़ों के लिए अपडेट यहाँ पे कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे कहना क्या चाहता हूँ वो आप समझिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे तीन जो ऑप्शन है, एक तो आपका ये जो है क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने का है, सो ये तो अभी खत्म हो चुका है, ये तो अभी आप डाउनलोड नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो आप डाउनलोड नहीं कर सकते। ठीक है, और जो सिटी वाला है ये भी अब आपको सिटी स्लिप भी नहीं मिलेगी। ओके, केवल यहाँ पे एडमिट कार्ड का है। अगर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है, अगर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है, आप एग्जाम देने के लिए गए थे, एडमिट कार्ड आपने वहीं पर छोड़ दिया क्योंकि वहीं पर देना था, ठीक है, अब आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है तो एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके सेव कर लीजिए। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि जब काउंसलिंग आपकी स्टार्ट होगी ना तो वहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटी आपका एडमिट कार्ड और एडमिट कार्ड के साथ आपका जो रोल नंबर है, जो कि एडमिट कार्ड पे यहाँ पे आपका रोल नंबर भी है, किसी को अगर ये पता नहीं है कि रोल नंबर कहाँ पे मिलेगा तो आपका जो एडमिट कार्ड है उस पर रोल नंबर भी दिया हुआ है। जैसे BHU है, अभी BHU अपनी काउंसलिंग करवा रहा है तो वो वहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर जो है और इसके अलावा जो रोल नंबर है वो मांग रहा है, तो अब रोल नंबर का आपको पता होना चाहिए कि रोल नंबर है कहाँ आपके एडमिट कार्ड पे। तो एडमिट कार्ड एक आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और इसको सेव रख लीजिए, क्योंकि काउंसलिंग के समय एडमिट कार्ड भी मांगा जाएगा। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था, जब मैंने डॉक्यूमेंट वाला वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए याद हो तो मैंने वहां पर भी बताया था, लेकिन लास्ट वीडियो से मैंने नोटिस किया कि आप लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हो, तो ये गलती आपकी होगी, बाद में मेरी नहीं होगी। मैं तो आपको हर एक छोटी से छोटी अपडेट देता हूँ, छोटा सा छोटा जो भी न्यूज़ होता है वो देने का यहाँ पर प्रयास करता हूँ। तो आप लोगों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, और इसके अलावा आपका जो स्कोर कार्ड आएगा, स्कोर कार्ड को ऐसा नहीं है कि केवल आप देख ले और देख के छोड़ दे कि हाँ बस मेरे इतने नंबर आ गए, नहीं, उसको भी सेव करना है। सेव करने से मेरा मतलब ये है कि उसको भी आपको डाउनलोड करना है और अलग से रख लेना है, क्योंकि जब काउंसलिंग होगी तो वहां पे अगर स्कोर कार्ड मांगा गया तो फिर आप क्या यहाँ पे ऑप्शन में वहां पे अपलोड करेंगे। तो आपका जो स्कोर कार्ड आता है उसका PDF सेव करिएगा, एडमिट कार्ड जो है इसका आप लोग यहाँ पे सेव करिएगा, और बाकी जो है जो आपका रोल नंबर मैंने बताया एडमिट कार्ड पे आपका है तो उसको आप सुरक्षित रखिए। वो एडमिट कार्ड पे रहेगा, बट आपको ध्यान होना चाहिए कि आपका रोल नंबर भी है, केवल एप्लीकेशन नंबर नहीं है बल्कि आपको रोल नंबर भी यहाँ पर दिया गया था। ठीक है, सो गाइज, इस वीडियो के अंदर बस मैं आपको यही इन्फॉर्म करना चाह रहा था, ये चीज़ मैंने लास्ट वीडियो से नोटिस करी कि जो स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे इस चीज़ को। सो होपफुली आज का वीडियो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा, ऐसा मैं होप करता हूँ। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसको भी आप लोग ज्वाइन करिए, ताकि काउंसलिंग में जो भी आपको प्रॉब्लम हो, जो भी समस्याएं आपको आए, उनका समाधान उनका सोल्यूशन हम लोग आपको प्रोवाइड करवा सके। सो गाइज, फिर से आप सभी का शुक्रिया।